subscribe my channel, press bell icon, like and share. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में फायर पाम के बारे में सीखेंगे और इसके कंट्रोल पैनल के बारे में कि इस कंट्रोल पैनल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और फायर पाम को किस तरह ऑपरेट किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं। ये हमारा फायर पाम्प है, ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये पंप को कंट्रोल करने के लिए स्विच है, ये मेन पंप का स्विच है, एक साइड में हैंड और एक साइड में ऑटो, ये जॉकी पंप, ये इंजन पंप, एक साइड में हैंड और एक साइड में ऑटो ऑपरेट करने के लिए। ये इस फायर पंप का कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल को खोल के इसके अंदर चेक करेंगे इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। ये इसका मेन ब्रेकर है, ये इसका मेन ब्रेकर है और ये जो तीन एसी कनेक्टर हैं, एक दो तीन, ये ड्यूटी मोटर को स्टार डेल्टा कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया गया है। ये इसका थर्मल अवर और रिले है, मोटर हीट अप होने की वजह से ये पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता है और इसके साथ ये बैटरी चार्जर है, बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर, इसके ऊपर ये ब्रेकर कंट्रोल पैनल का फेस कंट्रोल करने के लिए, ये ब्रेकर जो कि मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए और ये जो रिले है ये ड्यूटी मोटर को स्टार डाटा कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ की गई है। ये ब्रेकर डीजल जनरेटर के लिए है और ये जो कंडक्टर हैं डीजल पंप को ऑन ऑफ ऑपरेट करने के लिए और इसके साथ ये कंडक्टर जो कि मोटर के लिए यूज़ किया गया है। मेन ब्रेकर और तीन कंडक्टर स्टार डाटा कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो मोटर जब स्टार्ट होती है मोटर सबसे पहले स्टार में उसके बाद डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका कंट्रोल पैनल है, और ये इसका मोटर है, ड्यूटी मोटर मेन पंप, और ये इसका जॉकी पंप है, छोटा पंप जॉकी, और ये जो सामने इसका डीजल पंप है, इलेक्ट्रिक ना होने की सूरत में ये हम डीजल को ऑपरेट करते हैं और इसका साथ ये जो है इसका प्रेशर गेज है और ब्लैक कलर जो इसकी हैं ये प्रेशर स्विच है, एक दो तीन, हर पंप का सेपरेट सेपरेट प्रेशर स्विच है, ड्यूटी मोटर का सेपरेट, जॉकी मोटर का सेपरेट, डीजल का सेपरेट, और इसके साथ हर पंप का एक अपना अपना गेट वॉल है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं गेट वॉल, ये ड्यूटी पंप का गेट वॉल है और ये जॉकी पंप का है और ये जो है डीजल इंजन पंप का, और नीचे ये जो इसका लाइन है ये सेक्शन लाइन है और ये जो लाइन बाहर की तरफ है ये टैंक की तरफ जा रहा है, वाटर टैंक की तरफ, ये इसका सेक्शन लाइन है और ये इसका हेडर लाइन है
हेडर लाइन में भी ये गेट वाल है, और इसके साथ ये अलार्म चेक वाल है, ये अलार्म चेक वाल आउटसाइड की लाइन पे लगाया जाता है। और ये डीजल इंजन है, ये डीजल इंजन का रेडिएटर है, ये रेडिएटर इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये डीजल टैंक है, और इसके साथ ये टेम्परेचर के लिए, ये इंजन ऑयल के लिए, और ये एम्पेयर के लिए। ये डीजल फ्यूल फिल्टर है, और इसके साथ ये जो नीचे है ये इंजन ऑयल फिल्टर है। ये डीजल इंजन 12 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट किया जाता है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, इसके साथ जो हमारी आज की वीडियो है वो कंप्लीट है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।